नमस्कार। ज्ञानदूत द्वितीय के इस शैक्षिक कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं अविनाश, सहायक आचार्य लोक प्रशासन, आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं। आज हमारा टॉपिक है केंद्रीय गृह मंत्रालय, सेंट्रल मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। देखिए, किसी भी राज्य की कानून व्यवस्था और उसकी आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखने के लिए तथा सरकार के द्वारा जो लागू कानून हैं उन कानूनों की क्रियान्विति को सुनिश्चित करने के लिए गृह मंत्रालय की आवश्यकता अपने आप में स्वयं सिद्ध है। गृह विभाग को जनरली हम पुलिस डिपार्टमेंट के नाम से जानते हैं। यदि हम इसके ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य पर चर्चा करें, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव को जानें, तो देखिए भारत में गृह मंत्रालय की जो विकास यात्रा है वो सन 1843 से प्रारंभ होती है, जब केंद्रीय सचिवालय और बंगाल शासन सचिवालय दोनों को पृथक पृथक किया गया। इसी क्रम में सन 1861 का जो भारतीय पुलिस अधिनियम है, भारतीय पुलिस इंडियन पुलिस एक्ट जो है, उसके माध्यम से पुलिस और सेना संबंधी कार्यों को पृथक किया गया। गृह विभाग जो है उसका कार्य क्षेत्र अत्यंत गंभीर, जटिल तथा विशाल रहा है और यही कारण है कि गृह मंत्रालय को जितने भी मंत्रालय हैं उन सभी मंत्रालयों की जो है जननी या मदर मिनिस्ट्री कहा जाता है। स्वतंत्रता के पश्चात इसे स्वराष्ट्र मंत्रालय के नाम से जाना जाता था, जिसे सुप्रसिद्ध कवि डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की सलाह पर गृह मंत्रालय नाम दिया गया। यद्यपि देखिए पुलिस जो विषय है वो संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुच्छेद 246 की राज्य सूची का विषय है, लेकिन संविधान का अनुच्छेद 355 जो है वो ये कहता है कि केंद्र सरकार का यह दायित्व बनता है कि वह प्रत्येक राज्य की बाह्य आक्रमण तथा आंतरिक गड़बड़ी से सुरक्षा प्रदान करे। अब हम चर्चा करते हैं गृह मंत्रालय का संगठन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की। केंद्रीय जो गृह मंत्रालय है उसका जो राजनीतिक प्रभार है या राजनीतिक प्रभारी जो है वो एक कैबिनेट दर्जा प्राप्त या कैबिनेट रैंक से युक्त एक मंत्री होता है और उस मंत्री की सहायतार्थ राज्य मंत्री, उप मंत्री भी आवश्यकता अनुसार नियुक्त किए जा सकते हैं। प्रोटोकॉल की दृष्टि से यदि हम देखें तो प्रधानमंत्री के बाद नंबर दो की स्थिति जो है वो केंद्रीय गृह मंत्री की आती है। प्रशासनिक स्तर पर इस केंद्रीय गृह मंत्रालय के दायित्वों के निर्वहन हेतु इस मंत्रालय को 6 विभागों में विभक्त किया गया है और इन 6 विभागों के जो प्रमुख हैं वो सचिव कहलाते हैं। गृह मंत्रालय का जो प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी मेन जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होता है उसे गृह सचिव, होम सेक्रेटरी कहा जाता है। इस गृह सचिव के अधीन जो है गृह विभाग और जम्मू कश्मीर विभाग जो है वो इसके अंतर्गत आते हैं। जबकि देखिए राज्य विभाग और जो सीमा प्रबंधन जो विभाग है उसके अलग से सचिव होते हैं। आंतरिक सुरक्षा विभाग का पृथक से एक विशिष्ट सचिव, स्पेशल सेक्रेटरी होता है। राजभाषा विभाग जो है उसका भी अलग से सचिव होता है। ये सभी सचिव जो हैं वो भारतीय प्रशासनिक सेवा, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस IAS अधिकारी होते हैं और इनके अंडर में स्पेशल सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, डायरेक्टर, स्पेशल मतलब विशेषाधिकारी यानी ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी OSD और डिप्टी सेक्रेटरी इत्यादि कार्यरत होते हैं।
कार्य की दृष्टि से यदि हम देखें तो इस गृह मंत्रालय का जो आंतरिक सुरक्षा विभाग इंटरनल सिक्योरिटी डिपार्टमेंट है वो सबसे बड़ा विभाग है। गृह मंत्रालय का जो सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी वो गृह सचिव होता है, और ये जो गृह सचिव जो है वो पदेन रूप से सचिव न्याय का कार्य भी देखता है। गृह मंत्रालय को कार्य विभाजन की दृष्टि से 6 विभागों जैसे गृह विभाग, आंतरिक सुरक्षा विभाग, राज्य विभाग, जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख विभाग, सीमा प्रबंधन विभाग, सीमा प्रबंधन विभाग और राजभाषा विभाग में विभक्त किया गया है। इन सभी विभागों के अधीन कई संभाग और अनुभाग भी स्थापित हैं और जिनके अंतर्गत नाना प्रकार के अधिकारी कार्मिक जो है वो कार्यरत होते हैं। गृह मंत्रालय का संगठनात्मक चार्ट यदि हम देखें तो जो गृह विभाग है उस गृह विभाग के अधीनस्थ या संलग्न जो कार्यालय जो संस्थाएं हैं उनमें से कुछ प्रमुख हैं गृह विभाग के अंतर्गत, जैसे महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त का जो कार्यालय है वो, विदेशी नागरिकों का जो क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय जो कि दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में स्थापित है, इसके अलावा जो प्रत्यावासी यानी रिपेट्रिएटर कॉपरेटिव फाइनेंस एंड बैंक, फाइनेंस एंड डेवलपमेंट बैंक लिमिटेड रेपकॉर जिसको कहा जाता है चेन्नई में है, रिहैबिलिटेशन प्लांटेशंस लिमिटेड पुनालुर केरल, और भारत शत्रु संपदा अभिरक्षक कार्यालय। राज्य विभाग की यदि हम बात करें तो इसके अंतर्गत जैसे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, संविधान के अनुच्छेद 263 के अंतर्गत स्थापित अंतर्राज्यीय परिषद यानी इंटर स्टेट काउंसिल, केंद्र शासित एवं नेफा नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, क्षेत्र परामर्शदात्री समिति, पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो यानी BPRD, ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा महाविद्यालय नागपुर, राष्ट्रीय नागरिक सुरक्षा महाविद्यालय नागपुर इत्यादि। आंतरिक सुरक्षा विभाग की यदि हम बात करें, इंटरनल सिक्योरिटी डिपार्टमेंट की यदि हम बात करें तो इसके अंतर्गत कुछ अर्धसैन्य बल जैसे केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स CISF, भारत तिब्बत सीमा पुलिस इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस ITBP, असम राइफल्स यानी AR, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड नेशनल सिक्योरिटी गार्ड NSG, आसूचना ब्यूरो, इंटेलिजेंस ब्यूरो, समन्वय निदेशालय इत्यादि। सीमा प्रबंधन जो विभाग है, बॉर्डर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, उसके अंतर्गत सीमा सुरक्षा बल यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF, सशस्त्र सीमा बल SSB, और राजभाषा विभाग के अधीन जो कार्यकारी संस्थाएं या जो एजेंसीज हैं वो हैं निदेशक केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो, निदेशक केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, निदेशक हिंदी शिक्षण आयोजना, केंद्रीय हिंदी समिति, हिंदी प्रशिक्षण परामर्शदात्री समिति, नगर राजभाषा समिति और हिंदी सलाहकार समितियां। अब हम बात करते हैं गृह मंत्रालय के जो कार्य और भूमिका है उनकी बात करते हैं। देखिए, फंक्शंस एंड रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, चूँकि गृह मंत्रालय का जो कार्य क्षेत्र है वो अत्यंत ही विस्तृत, जटिल और गंभीर प्रकृति से युक्त है, अतः गृह मंत्रालय के जो कार्य हैं और भूमिका है उसको उनके विभागों के अनुसार, जो 6 विभागों का जो उल्लेख हमने अभी किया उन विभागों के अनुसार हम उनके कार्यों को व्यक्त कर सकते हैं। सर्वप्रथम हम लेते हैं गृह विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ होम। जो गृह विभाग है वो गृह मंत्रालय से संबंधित जो संवैधानिक प्रावधान हैं उनका इम्प्लीमेंटेशन, पॉलिसी मेकिंग,
से संबंधित कार्य करता है। इसके अतिरिक्त कुछ प्रमुख कार्य भी हैं, जैसे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का जो शपथ ग्रहण है या कार्यभार ग्रहण करने की जो अधिसूचना है, शपथ ग्रहण समारोह है इत्यादि का आयोजन करना, प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद के जो सदस्य हैं मंत्रीगण जो हैं उनकी नियुक्ति और पदत्याग संबंधी अधिसूचना जारी करना, इसके अतिरिक्त संसद में जो सांसदों का मनोनयन या उनका जो नॉमिनी या नामित जो उनको किया जाता है उनका सुनिश्चयन करना, संसद में आचार संहिता कोड ऑफ कंडक्ट और शांति व्यवस्था को बनाए रखना, हमारे जो राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह हैं जैसे राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत, राष्ट्र चिन्ह, राष्ट्रध्वज, नेशनल फ्लैग इत्यादि के जो स्टैंडर्ड बने हुए हैं, जो मानक बने हुए हैं, उन पर निगरानी और सहायता करना। इसके अतिरिक्त जो बाह्य आक्रमण संविधान का अनुच्छेद 352 बाह्य आक्रमण और राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के अंतर्गत जो भी आवश्यक कार्यवाही हो उसको करना। भारत की जो जनगणना है और जन्म मृत्यु रजिस्ट्रेशन पंजीकरण से संबंधित कार्यों का दायित्व निर्वाहित करता है गृह विभाग। राष्ट्रपति के द्वारा जो पार्डन संबंधी मामले हैं, क्षमादान संबंधी मामले हैं उनको देखता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन VVIP जो व्यक्ति हैं उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित भी गृह विभाग करता है। इसके अलावा जो गणमान्य प्रतिष्ठित जो नागरिक हैं उनको जैसे अलंकरण प्रदान करना, जैसे भारत का जो सर्वोच्च सिविलियन जो अवार्ड है भारत रत्न पद्म अलंकरण, जैसे पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, वीरता पुरस्कार, जीवन रक्षा पदक इत्यादि से संबंधित कार्यों का निर्वहन करना। राज्यों में राज्यपालों और केंद्र शासित प्रदेशों में उपराज्यपालों की नियुक्ति, पदत्याग एवं पदमुक्ति संबंधी मामले देखना। राष्ट्रपति, राज्यपालों, प्रधानमंत्री और संघ के जो अन्य मंत्री हैं उनके वेतन भत्तों से संबंधित मामलों का निस्तारण करना। इसके अतिरिक्त जो राज्यों या जिलों के जो भौगोलिक नाम हैं उनमें परिवर्तन को स्वीकृति प्रदान करना। कोई राजनीतिक पेंशन या जो 1857 का जो गदर हुआ था उस गदर के जो वीर जो हैं उनके आश्रितों को अनुकंपा भत्ता प्रदान करना। समाचार पत्र, पुस्तकें और जो प्रिंटिंग प्रेस, मुद्रणालय जो हैं उनसे संबंधित कार्यों का निर्वहन करना। और प्रति 10 वर्ष के अंतराल पर जो भारत की जनगणना आयोजित की जाती है, जो कि विश्व की सबसे बड़ी प्रशासनिक प्रक्रिया या जटिल प्रशासनिक प्रक्रिया मानी जाती है, उससे संबंधित कार्य का संपादन भी गृह मंत्रालय का गृह विभाग करता है। इसके अतिरिक्त जो शत्रु संपदा है, हमारे दुश्मन की जो संपदा है जैसे उसके भवन, भूमि, संपत्ति, उसका धन, उसकी अभिरक्षा करना, उसका कस्टोडियन बनने का कार्य भी गृह विभाग करता है। गृह विभाग के अतिरिक्त के अलावा हम लेते हैं राज्य विभाग यानी डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट। ये जो राज्य विभाग है, जैसा कि नाम के ही अनुरूप है, नाम से ही स्पष्ट है कि राज्यों से संबंधित जो कार्य है उनका निस्तारण करता है। और इस राज्य विभाग डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट जो है उसके जो बेसिक कार्य हैं वो इस प्रकार हैं। सबसे पहले जो कार्य वो है कि सब केंद्र राज्य जो विवाद हैं उन केंद्र राज्य विवादों को सुलझाना और केंद्र राज्य संबंधों में मिठास या मधुरता जो है वो स्थापित करना। अंतर्राज्य परिषद, इंटर स्टेट काउंसिल, क्षेत्रीय परिषदें, राष्ट्रीय एकता परिषदें और अन्य जो एडवाइजरी जो संस्थाएं या जो समितियां हैं उनको प्रशासनिक सहायता प्रदान करना। देश में नवीन राज्यों का निर्माण करना, उनका भौगोलिक परिवर्तन करना, उनके नामों में परिवर्तन करना इत्यादि से संबंधित कार्य करना। और राज्यों से संबंधित जो भी मामले, जो भी प्रकरण हैं उनमें कोई मार्गदर्शन, सहायता या सामंजस्य स्थापित करना।
इसके अतिरिक्त संविधान का अनुच्छेद 239 से लेकर के 241 के अनुसरण में जो केंद्र शासित प्रदेश आते हैं, उन केंद्र शासित प्रदेशों के शासन संचालन में सहायता प्रदान करना, और 15 अगस्त 1972 से जो फ्रीडम फाइटर्स को जो पेंशन दी जा रही है, पेंशन और अन्य जो सुविधाएं दी जा रही हैं उनका भी सुलभ संचालन करना, मानवाधिकारों ह्यूमन राइट्स से संबंधित जो समस्त जो पॉलिसी मैटर्स हैं और उनका जो इम्प्लीमेंटेशन है उनका सुनिश्चयन करना, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC, पुलिस अनुसंधान विकास ब्यूरो, राष्ट्रीय अग्निसेवा महाविद्यालय, नागरिक सुरक्षा से संबंधित महाविद्यालय इत्यादि को प्रशासनिक सहायता सुलभ करवाना, पुलिस सुधार और जेल सुधार से संबंधित मामलों का भी निस्तारण करना, इसके अलावा जो निजी सुरक्षा अभिकरण अधिनियम जो बना है, निजी सुरक्षा अभिकरण विनियमन अधिनियम 2005, उसके तहत निजी सुरक्षा एजेंसियों के मानदंडों का निर्धारण करना। अगला विभाग है आंतरिक सुरक्षा विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी। देखिए, गृह मंत्रालय का जो सबसे बड़ा विभाग है वो है आंतरिक सुरक्षा विभाग। इस आंतरिक सुरक्षा विभाग का जो प्रमुख दायित्व है वो है कि देश में शांति व्यवस्था और कानून को बनाए रखना। इस विभाग के जो प्रमुख कार्य हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं, जैसे देश की जो आंतरिक सुरक्षा और शांति व्यवस्था कानून व्यवस्था को बनाए रखना, लॉ एंड ऑर्डर, केंद्र शासित प्रदेश और राज्य सरकारों के तहत जो पुलिस प्रशासन है उसको दिशा निर्देश जारी करना, सहायता प्रदान करना, देश की सीमाओं पर तथा आंतरिक भाग में पुलिस बल और अर्धसैन्य बलों की तैनाती करना, आतंकवाद है, अलगाववाद, नक्सलवाद, घुसपैठ है, अशांति और आर्म्ड रिबेलियन सशस्त्र विद्रोह पर नियंत्रण स्थापित करना, केंद्र सरकार के जो सार्वजनिक कारखाने हैं, लोक उपक्रम जो हैं उनकी सुरक्षा, नागरिकों की सुरक्षा, अग्निशमन, होमगार्ड्स, बाह्य आक्रमण इत्यादि से संबंधित कार्य करना, राष्ट्र की एकता और अखंडता और सांप्रदायिक सौहार्द कम्युनल हार्मनी को बनाए रखना, अंतर्राष्ट्रीय जो पुलिस संगठन है जिसे इंटरपोल कहा जाता है, इंटरनेशनल पुलिस, उससे संबंधित जो आपराधिक मामले हैं उनमें समन्वय स्थापित करना, भारतीय पुलिस सेवा IPS ऑफिसर्स से संबंधित जो मामले हैं जैसे उनका कैडर मैनेजमेंट है, उनका उनकी अपॉइंटमेंट है, उनको डेपुटेट करना है, प्रशिक्षण ट्रेनिंग पदोन्नति या उनके कैरियर डेवलपमेंट से संबंधित जो भी मामले हैं उनका निस्तारण करना, इसके अतिरिक्त जो साहस प्रदर्शित करने वाले जो पुलिसकर्मी हैं उनको पुलिस पदक या मानवता की रक्षार्थ जो है शारीरिक मानसिक साहस प्रदर्शित करने वालों को कबीर पुरस्कार प्रदान करना, जो पैरामिलिट्री फोर्सेज है जैसे CRPF है, CISF है, ITBP है, असम राइफल्स है, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड NSG इत्यादि से संबंधित जो भी प्रशासनिक कार्य हैं उनका संपादन करना, केंद्रीय सचिवालय जिसे हम कहते हैं कि केंद्र सरकार के समस्त मंत्रालयों विभागों का जो सामूहिक नाम है जिसे केंद्रीय सचिवालय कहा जाता है, उस केंद्रीय सचिवालय के अंतर्गत जो भी विभाग हैं उन विभागों में जो स्वागत की जो व्यवस्था है वो स्वागत व्यवस्था और सुरक्षा संबंधित कार्य करना, अति विशिष्ट जो व्यक्ति हैं उनकी सुरक्षा और महत्वपूर्ण जो सरकारी जो भवन हैं उनकी सुरक्षा का कार्य करना, इसके अलावा जो टाडा आतंकवादी एवं विध्वंसकारी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम जो 1985 टाडा, पूर्ववर्ती टाडा, और इसके अतिरिक्त आतंकवाद निरोधक अधिनियम पोटा, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट 2002 इत्यादि से संबंधित मामले देखना, इत्यादि से संबंधित बचे हुए मामले देखना, इसके अतिरिक्त रजिस्ट्रेशन और देशीयकरण यानी नेचुरलाइजेशन के आधार पर भारतीयों को नागरिकता प्रदान करना, और कानून का उल्लंघन करने पर
विदेशियों को भारत से निर्वासित करना, विदेशी नागरिकों को भारत में वीजा प्रदान करना और भारत में जो कैद जो विदेशी नागरिक हैं उनका संप्रत्यावर्तन स्वदेशागमन करना या संप्रत्यावर्तन यानी रिपेट्रिएशन करना, यानी कहने का अभिप्राय कि उन्हें उनके घर जाने की, उन्हें स्वदेश जाने की अनुमति प्रदान करना। और इसके अंतर्गत जो भारतीय जल सीमा में जो पकड़े गए समुद्री लुटेरे और मछुआरे हैं वो भी सम्मिलित हैं। व्यक्तियों और संघों के द्वारा जो विदेशी संस्थाओं से जो अंशदान प्राप्त होता है उसकी स्वीकृति और उसकी उपयोगिता यूटिलिटी का विनियमन करता है। इसके अतिरिक्त जो सीमा शुल्क अधिनियम है 1962 उसके अंतर्गत अश्लील और अवांछनीय जो साहित्य है उसके लाने पर रोक और आवश्यक वस्तुओं की कालाबाजारी पर रोक लगाता है। बाह्य आक्रमण या युद्ध यानी अनुच्छेद 352 के अंतर्गत जो लोक सेवक हैं उनसे किसी भी कर्तव्य की जो है अपेक्षा करना। इसके अतिरिक्त एससी एसटी अल्पसंख्यक महिलाओं बच्चों इत्यादि से संबंधित जो कानून है उनके अंतर्गत दंडनीय अपराध जो है उन पर नियंत्रण स्थापित करना। प्राकृतिक और जो मानव जनित आपदाएं हैं उनके समय राहत बचाव एवं पुनर्वास संबंधी कार्य करना। और स्वापक औषधि तथा मनह प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 का ये एक्ट है जिसका पॉपुलर जो नाम है वो है NDPS एक्ट यानी नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेज एक्ट 1985 के अंतर्गत जो अवैध जो व्यापार है तस्करी जो है उस पर रोकथाम करना। अब हम लेते हैं सीमा प्रबंधन विभाग को, बॉर्डर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट। गृह मंत्रालय का जो सीमा प्रबंधन विभाग है बॉर्डर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, जैसा कि नाम से स्पष्ट है सुविदित है कि यह विभाग भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से संबंधित जो कार्य है वो संपादित करता है। और इसके अंतर्गत जो बेसिक जो काम है वो कुछ इस प्रकार से है, जैसे अंतर्राष्ट्रीय जो भूमि सीमा और तटीय सीमा है उसका प्रबंध करना, सीमाओं पर चौकसी और सुरक्षा बढ़ाना, सीमा संबंधी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है जैसे सड़क बनवाना, तारबंदी करना, बाड़बंदी करना, फ्लड लाइट्स लगवाना इत्यादि का मैनेजमेंट करना। इसके अतिरिक्त जो एक कार्यक्रम संचालित है सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम यानी बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम BADP उसका क्रियान्वयन सुनिश्चित करने का दायित्व भी गृह मंत्रालय के सीमा प्रबंधन विभाग का है। इसके अलावा सीमा प्रबंधन संबंधी जो मामले हैं उसमें केंद्र सरकार के विभागों और राज्य सरकारों के विभागों से समन्वय स्थापित करना। नेक्स्ट है राजभाषा विभाग, ऑफिशियल लैंग्वेज डिपार्टमेंट या डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज। देखिए केंद्र सरकार के जो मंत्रालय और जो विभाग हैं उनमें आधिकारिक ऑफिशियल या राजभाषा जो हिंदी है हमारी राजभाषा हिंदी और उसकी लिपि देवनागरी लिपि के प्रचार प्रसार और उसकी मान्यता हेतु जो राजभाषा अधिनियम 1963 है वो और संविधान के अनुच्छेद 343 से 351 की क्रियान्विति का सुनिश्चयन राजभाषा विभाग करता है। इस विभाग के भी कुछ प्रमुख कार्य हैं, जैसे केंद्रीय जो सचिवालय है उसके मंत्रालय और विभागों में राजभाषा हिंदी का यथोचित संचालन प्रोत्साहन तथा विकास को सुनिश्चित करना। इसके अलावा केंद्रीय मंत्रालयों विभागों में पद स्थापित जो निदेशक राजभाषा के माध्यम से प्रत्येक मंत्रालय विभाग में राजभाषा हिंदी में किए गए कार्यों की मॉनिटरिंग करना, राजभाषा हिंदी के प्रचार प्रसार हेतु कोई प्रशिक्षण कार्यक्रम कोई कार्यशाला वर्कशॉप सेमिनार वेबिनार इत्यादि का प्रबंध करना, मंत्रालयों विभागों को हिंदी की जो पुस्तकें हैं उन हिंदी पुस्तकों की सूची उपलब्ध करवाना और जो मानकीकृत लिपि देवनागरी लिपि है
उसमें प्रशिक्षण और पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध करवाना। इसके अलावा जो प्रामाणिक और मानकीकृत जो प्रशासनिक जो शब्दावली है, एक स्टैंडर्ड और ऑथेंटिक जो शब्दावली है उसको तैयार करवाना। इसके अलावा केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, संगठनों के कार्मिकों के द्वारा हिंदी में किसी भी विषय पर लिखित कोई पुस्तक है उस पर इंदिरा गांधी राजभाषा पुरस्कार प्रदान करना। इसके अलावा राष्ट्रभाषा हिंदी में कोई उत्कृष्ट कार्य करने वाला जो मंत्रालय, विभाग या कार्यालय या संस्थान है उसको जो है राजभाषा शील्ड प्रदान करना। इसके अलावा जो संविधान का अनुच्छेद 343 से 351 से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों जो कि राजभाषा से संबंधित है और राजभाषा अधिनियम 1963 का क्रियान्वयन सुनिश्चित करना। और गृह मंत्रालय का जो अंतिम जो छठा विभाग है वो है जम्मू कश्मीर विभाग, अब इसका नाम कर दिया गया है जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख संबंधी मामले विभाग। देखिए केंद्र सरकार के द्वारा जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 जो प्रवर्तित हुआ था 31 अक्टूबर 2019 को, इसके माध्यम से संविधान के जो अनुच्छेद 370 है 370 को हटाने के साथ ही जम्मू कश्मीर को जो कई वर्षों से जो चला आ रहा विशेष राज्य स्पेशल स्टेट वाला जो दर्जा था उसको हटा करके जम्मू कश्मीर और लद्दाख क्षेत्र को जो है केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया गया है। इस जम्मू कश्मीर विभाग के अंतर्गत जो प्रमुख कार्य हैं वो इस प्रकार हैं कि केंद्र शासित जो प्रदेश घोषित जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो है उससे संबंधित प्रशासनिक मामले देखना, सशस्त्र बल जम्मू कश्मीर विशेष शक्तियां अधिनियम 1990 का क्रियान्वयन सुनिश्चित करना, प्रतिरक्षा डिफेंस और विदेश मंत्रालय से समन्वय स्थापित करते हुए जम्मू कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों पर रोकथाम और भारत पाक जो सीमा रेखा है उस पर भारत पाक की जो नियंत्रण सीमा रेखा LOC जिसको कहते हैं उसका प्रबंधन करना, विभिन्न मंत्रालयों विभागों से समन्वय स्थापित करके जम्मू कश्मीर और लद्दाख के जो रह गुजर हैं निवासी हैं उनके संदर्भ में लोक कल्याणकारी कार्यों को बढ़ावा देना और जम्मू कश्मीर और लद्दाख से संबंधित जो संवैधानिक प्रावधान हैं उनकी क्रियान्विति सुनिश्चित करना। तो ये हुए गृह मंत्रालय के कार्य एवं भूमिका। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स।